गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 ये कर रहे हैं। इसमें दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब दिया गया बिंदु ए, ये दिया गया बिंदु ए है हमारे पास। एक रेखा ये एल जा रही है बिंदु ए से, और ये एक हमें दिया गया सदिश है बी, उसके समांतर है ये एल रेखा। तो हमें एल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये बिंदु ए से जा रही है और बी के समांतर है। आपको पता है कि जैसे वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसके जो समांतर रेखा होगी वो होगी लैम्डा बी वेक्टर। अब ए से जा रही है, अब तुमने सदिश बीजगणित में पढ़ा था कि मूल बिंदु ओ ए और इसको जोड़ दें तो ये रिजल्टेंट इसका परिणाम ही ये होता है, मतलब ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, मीन्स ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये हो गया रेखा का सदिश रूप। दो रूप होते हैं, सदिश रूप और कार्तीय रूप। सदिश रूप हो गया ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, ए एक इक्वल है, ये लैम्डा बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। हम इसको आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब किसी बिंदु से होकर जाने वाली और किसी के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। अब मान लिया हमें ए के निर्देशांक इसमें दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन। ए वेक्टर है, अभी ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, ओ ए जो है वो वेक्टर ए के इक्वल है। तो इस तरह से ए वेक्टर एक्स वन आई प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और जो रेखा में दिए हुए सदिश बी वेक्टर उसको हमने मान लिया ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, जहाँ इसका मॉडलस बी वेक्टर का मॉडलस इस बी के इक्वल नहीं है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि बी वेक्टर का मॉडलस इस वाले बी के इक्वल नहीं है। ये वेक्टर बी है, ये बी है, ये दोनों सेम नहीं है, मतलब इसका मॉडलस इसके इक्वल नहीं है। अब समीकरण एक में हम मान रख देंगे आर वेक्टर, समीकरण एक हमारी ये वाली है, ए वेक्टर की जगह ये रख देंगे एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और बी वेक्टर की जगह हम ये रख देंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और आर इसमें क्या होता है, आर होता है इसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका कार्तीय रूप अगर हम देखें, अभी इसके बेस्ट क्वेश्चन करवाऊँगी तो मैं, अब कार्तीय रूप देखें करें इसका, बिंदु ए से गुजरने वाले और बी के समांतर। जिस बिंदु से गुजरते हैं कोई रेखा, जिस बिंदु से गुजरती है उसको तो लिखते हैं ऊपर, और जिसके समांतर होती है वो लिखते हैं नीचे। जैसे ए के निर्देशांक एक्स वन वाई वन जेड वन, तो हमने ये ऊपर ले लिए एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, और जिसके समांतर है उसके निर्देशांक ए बी सी हैं, तो ए को नीचे लिया, बी को नीचे लिया और सी को नीचे लिया। तो ये हमारी बन गई कार्तीय समीकरण। अब ये फोर्थ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, बिंदु वन टू थ्री इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के समांतर है। गुजरने वाली ये होगी रेखा, मतलब वन टू थ्री ए के निर्देशांक हो गए, और समांतर इसके है तो ये बी के निर्देशांक हो गए। जिससे गुजरती है उनको ऊपर लिखेंगे, जिसके समांतर होती है उसको नीचे लिखेंगे। सॉरी, हमें इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है कि सदिश या कार्तीय रूप, लेकिन पीछे जो इसका आंसर दिया हुआ है आपको, ये सदिश रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले सदिश रूप में निकाल लेते हैं।
सदिश रूप का समीकरण होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इसमें ए वेक्टर इससे बनेगा और बी वेक्टर ये हमें दिया हुआ है क्योंकि इसके समांतर है ये। वेक्टर ए से गुजरने वाली तो ए 1 2 3 है, तो वेक्टर ए आई प्लस 2j+3 की हो गया। बी के समांतर है तो बी भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, बी को लिख दिया 3i+2j-2k। रेखा का सदिश समीकरण है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह हम ये लिख देंगे i+2j+3k, यहाँ लिख दिया, प्लस लैम्डा बी वेक्टर की जगह हम लिख देंगे 3i+2j-2k। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में अगर आपको कार्तीय बनानी है, आप कोई सी भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ है कौन सी लिखनी है, तो कोई सी लिख सकते हो। तो कार्तीय लिखनी है तो जिससे गुजर रहे हैं हम यहाँ पर लिख देंगे कार्तीय रूप इसका। तो जिससे गुजर रही है ये हो गया x-1, पहले इसका सूत्र लिख लेना, x-1/1, y-2/2 और z-3/3। सूत्र मैंने आपको बता दिया है पीछे, पहले सूत्र लिखना, ये साइड में सूत्र लिख लेना और ये इसका कार्तीय रूप हो गया। पांचवा है क्वेश्चन, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i-j+4k से गुजरने, मतलब इस सदिश से गुजर रहा है, मीन्स ये ए के निर्देशांक है, ये हो गया वेक्टर ए, स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल ए। i+2j-k की दिशा में जाने वाली, जिसकी दिशा में जाएगी मीन्स उसके समांतर है, तो इसको हम समांतर की तरह ट्रीट करेंगे। बी वेक्टर इसके इक्वल हो गया हमारा, क्योंकि इसकी दिशा में जा रहे हैं, दिशा में जा रहे हैं तो समांतर चल रहे हैं उसके, ये हमारा हो गया बी वेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन है, बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर ये 2i-j+4k, बी वेक्टर i+2j-k। अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया, प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये दिया हुआ है, ये लिख लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हमने कार्तीय रूप निकालना है। अब इसमें सूत्र ये दिया हुआ आपकी बुक में, ए वेक्टर a1i+a2j+a3k, मतलब मीन्स ये कि जो ए के हैं वो ऊपर आएंगे, जिससे गुजर रही है वो ऊपर आएगा, और बी के जिसके समांतर है वो नीचे आएंगे। तो इसमें a1 को 2 ले लेंगे, b1 को -1 और सॉरी a2 को -1 और a3 को 4, इस तरह से ये है। अब क्योंकि यहाँ पे a1 a2 a3 ले लिए हैं, यहाँ b वेक्टर का मैंने b1 b2 b3 ले लिया है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना क्योंकि पीछे b वेक्टर को a b और c लिया था हमने। तो किसी आपके एग्जांपल में कुछ लिखा है, किसी एग्जांपल में कुछ लिखा है, तो a1 a2 एन से कन्फ्यूज मत होना, मेन ये देखना है कि जिससे गुजर रही है और जिसके समांतर है, जिससे गुजर रही है वो ऊपर आएगा और जिसके समांतर है वो नीचे आएगा। तो ऊपर ये ए के उसका मैंने a1 a2 ले लिया गुणांकों को, और बी वाले में 1 2 एंड -1 ले लिया। तो x-2 = y-1, y-1 = z-4 और ये वाले नीचे आएंगे तो 1 2 -1, ये हमारा सूत्र बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने a1 a2 a3 लिया है तो यहाँ ऊपर मैंने a1 a2 a3 लिख दिया, नीचे b1 b2 b3 लिया है तो नीचे b1 b2 b3 लिख दिया। अब इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, उस कार्तीय रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें सदिश रूप नहीं ज्ञात करना, कार्तीय रूप ज्ञात करना है। -2 4-5 इससे होकर जाती है, मतलब इसके इससे होकर गुजर रही है और इस रेखा के समांतर है। अब जो समांतर रेखा हमें दी हुई है, हम नीचे वाले लेते हैं, इसमें आपको पता ही है कि जो समांतर जहाँ होते हैं उसके नीचे वाले लेते हैं, ऊपर वाले का इस क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए है। ऊपर इसके आंसर में ऊपर वाले का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि जो मैं रेखा दी हुई है ये एक रेखा दी हुई है कि जो 3-3 +3 का मतलब -3, 4 और -8 से होकर गुजरती है,
लेकिन हमें इन बिंदुओं का तो यूज़ करना ही नहीं है, हमें तो ये बिंदु दिए हुए कि इनसे होकर गुजर रही है रेखा, तो इन इसका यूज़ करना ऊपर और इनका यूज़ करना है नीचे हमने, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बिंदु 6 क्वेश्चन है, बिंदु जिससे होकर रेखा गुजरती है -2, -4, -5 मीन्स ए वेक्टर जो हो गया वो -2i + 4j - 5 के हो गया और इसके समांतर है। इसमें हमें बी वेक्टर चाहिए सिर्फ, क्योंकि समांतर वाले में बी वेक्टर वो नीचे से मिलता है, जो नीचे बिंदु होते हैं वो लेने हैं खाली, तो 3i + 5j + 6 के। बस अब हमें इन दो का यूज़ करना है। अभी ये ए वेक्टर लिया था हमने a1i + a2j + a3 के, बी वेक्टर लिया b1i + b2j + b3 के। अब तुलना करेंगे, a1 जो है यह -2 के इक्वल हो गया, a2 4 के और a3 -5 के इक्वल हो गया। इधर इसी तरह से हम समानता की तुलना करेंगे, b1 3 के इक्वल, b2 5 और b3 6 के इक्वल। कार्तीय समीकरण ये सूत्र है इसका, x - a1 / b1 y - a2 / b2 z - a3 / b3, a1 की जगह -2, a2 की जगह -4, a3 की जगह -5, तो x + 2/3, y - 4/5 और z + 5/6। तो नीचे तो हमने समांतर वाले के यूज़ करे हैं और ऊपर वाले जो हमें दिया हुआ था इस बिंदु से गुजरती है वो हमने यूज़ किया है। 7वां क्वेश्चन, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - y/3, y + 4/7 और z - 6/2 है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया कि जो ऊपर वाले होते हैं उनसे होकर रेखा गुजरती है, जैसे x - 5 दिया है तो 5 यहाँ पे -4, साइन हम चेंज कर देते हैं जब बिंदु निकालते हैं, 5, -4 और 6, तो जो रेखा गुजर रही है वो 5, -4 और 6 से गुजर रही है। तो ये जो ए वेक्टर हो गया और जिसके समांतर है वो है 3, 7 और 2, ये हमारे बी वेक्टर के हो गए। तो हमें कार्तीय समीकरण दिया हुआ है इसका, सदिश समीकरण हमें निकालना है। हमें पता है कि रेखा यहाँ से 5, यहाँ -4 और यहाँ 6, चिन्ह बदल के 5, -4, 6 से गुजरती है, तो ए वेक्टर हो गया 5i - 4j + 6 के। रेखा के दिक अनुपात, ये जो नीचे होते हैं ये दिक अनुपात होते हैं समांतर वाली रेखा के, वो 3, 7, 2 है। समांतर सदिश जो बी वेक्टर, ये 3i + 7j + 2k वेक्टर। रेखा का सदिश समीकरण सूत्र होता है r⃗ = रेखा में r⃗ = लगता है a⃗ + λb⃗। तो r⃗ = a की जगह हम ले देंगे 5i - 4j + 6k और b⃗ की जगह हम ले देंगे 3i + 7j + 2k, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं हम। बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये इस बिंदु से जाने वाली है, मतलब ये इससे गुजरने वाली है, तो ए वेक्टर हो जाएगा 5i + 2j - 4k और इस वेक्टर के समांतर है, मतलब बी वेक्टर हो गया 3i + 2j - 8k। सदिश समीकरण का सूत्र होता है r⃗ = a⃗ + λb⃗। ए वेक्टर की जगह हम ये लिख देंगे 5i + 2j - 4k + λ और बी वेक्टर की जगह हम ये लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद हमें कार्तीय रूप ज्ञात करना है। कार्तीय रूप में इस सूत्र इसमें देखो, इसमें इस तरह से दिया हुआ है x - x1, y - y1, z - z1। यहाँ पे x1, y1, z1 वो ले लिए जो गुजरने वाली रेखा है, ए बी सी ले लिए समांतर के। तो यहाँ पे देखो, ये x1 की जगह 5 रख दोगे, y1 की जगह 2 रख दोगे, z1 की जगह -4, ठीक है।
और ये समांतर वाली रेखा के होते हैं, इसके द्विगुण अनुपात ये वाले हैं। तो ए की जगह 3 रख दोगे, बी की जगह 2 रख दोगे, सी की जगह -8, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। बस ये सूत्र लिख के आप सीधा ये लिख दो, x -5/3, y -2/2 और z +4/8। उस केस में हमें ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सूत्र लिखो। इसमें मैंने डायरेक्ट सूत्र का यूज़ करा है, तो आप इसमें इन दो लाइनों को मत लिखना। एक आंसर आपका ये वाला हो गया, यहाँ तक आंसर हो गया एक आपका, और कार्तिक आंसर ये आ जाएगा आपका, और इसके आगे आप सूत्र इसका लिख देना। एक इसमें एग्जांपल 8 देखो, रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दिया हुआ है, इसी रेखा का हमें सदिश समीकरण बनाना है। ऊपर जो बिंदु दिए हुए हैं उनसे होकर रेखा गुजरती है, साइन बदल देंगे इसके हम, क्योंकि सूत्र में माइनस आता है इसलिए। जैसे भी सूत्र देखा x -x1, माइनस आता है सूत्र में इसलिए साइन बदले जाएंगे। तो वेक्टर ये सूत्र है x -x1/1, y -y/b, यहाँ प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है, तो जो हम बिंदु निकालेंगे वेक्टर ए के उसमें चिन्ह बदला जाएगा। x1 हो गया -3, y1 5 हो जाएगा, और z1 -6, ये +6 है इसका -6, तो -3, 5 और -6, यहाँ आ गया -3, 5 और -6। समांतर के निर्देशांक 2, 4, 2 है द्विगुण अनुपात ये समांतर के, तो ए 2 हो गया, बी 4 है, सी 2 है। अब इससे जो बनेगा आपका सदिश वो बन जाएगा, ए वेक्टर हमारा आ जाएगा -3i + 5j - 6k। ये तो हमने तो बिंदु निकाल लिया, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है, सदिश फॉर्म में लेना है, -3i + 5j - 6k, और इसके समांतर है 2, 4, 2 सदिश के समांतर है, तो इसको लैम्डा के साथ गुणा करके लिख देंगे, 2i + 4j + 2k। आज आप ये कार्तीय रूप और सदिश रूप की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।